जब हम नाम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे और हम बार बार भगवत चर्चा सुनेंगे श्रवणेंद्री से, अगर ये सुनने का नशा नहीं है तो अभी भक्ति रंग नहीं आया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। अरे जिनके श्रवण समुद्र के समान है, भगवान की विविध भाव वाली जो लीलाएं हैं वो नदियों के समान उनके श्रवण समुद्र में जा रहे, पर जैसे समुद्र में विविध नदियां जाने पर कभी उफान नहीं आते, ऐसे वो कभी तृप्त नहीं होते। और सुने भगवत चर्चा। तो श्रवणम, श्रवण से ही भक्ति प्रारंभ होती है, श्रवण से ही शरणागति की प्रारंभिक स्थिति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। श्रवणेन्द्री से सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है, श्रवणेन्द्री से भगवत चर्चा सुनकर हमारा हृदय उल्लसित होता है तो हम स्वयं गाने लगते हैं। जब हृदय में आनंद उमगन होती है तो भगवत लीलाओं के गायन में रुचि हो जाती है। जो गाते हैं जो सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है चिंतन। तो अगला जो तीसरा है स्मरणम, स्मरण प्रारंभ हो जाता है, भगवान नाम स्मरण, भगवत रूप स्मरण, भगवत लीला चरित्रों का जो हम गायन किए हैं उनका स्मरण करना आ जाता है। जिसका हम स्मरण करते हैं उसके प्रति प्रियता बढ़ती है, तो दासता की भावना होती है कि मैं सेवा करूं। नहीं हाँ तो पाद सेवनम। अब पाद सेवन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ये भोग लगाऊं, ये पुष्पों की माला चढ़ाऊं, ये इत्र, ये चंदन, ये ऐसे। तो अर्चनम, विविध पदार्थों के द्वारा आराध्य देव का अर्चन, और जब अर्चना की तो हृदय में आता साष्टांग दंडवत करो। बंदनम, अब उनके द्वारा हमारे हृदय में जो भाव आया है तो उनसे प्रिय हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारे वो सखा भी हैं, हम उनसे हंसेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो हमारा सख्यत्व भी, हमारा मित्र भाव भी अपने आराध्य देव के प्रति ही होगा। दासत्व भाव और मित्र भाव, ये दोनों में बड़ा अंतर है। दासत्व में दास संकुचित रहता है, स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही सेवा करता है, लेकिन मित्रवत में हम अपनी रुचि और अपने दोस्त की रुचि, दोनों की रुचि मिला करके सेवा करते हैं। हमारे मन में आया तो हम आपको पहुंच सकते हैं, लेकिन स्वामी भाव में और सेवक भाव में स्वामी की रुचि के अनुसार चला जाता है। तो इसीलिए सख्य भी कह दिया गया है कि कभी कभी हमारी रुचि के अनुसार भी हमारे इष्ट भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। पहला है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और दूसरा भावे मोई जोई सोई सोई करे। फिर हम पूर्ण आत्म समर्पण, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन और दास और सख्य और आत्मसमर्पण। यह नवलक्षण भक्ति कराई तब तीन प्रेम लक्षणा पाई, पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राज विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनुभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीत प्रगट करणम, जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। इस नवधा भक्ति का फल हुआ आत्मसमर्पण के बाद प्रेम रस भक्ति। आराध्य देव के चिंतन में बैठा रो रहा है, पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग ये दुर्लभ भव इंद्रादि देहिं, ब्रह्मा और इंद्रादि के लिए भी जो दुर्लभ रस है वो उपासक को प्राप्त होता है। वो छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद हरि, छिन छिन हर हसन कभी रुदन करता है प्रभु का स्मरण करके, कभी प्रभु के गायन लीला गायन करते हुए नाच रहा है अपने सामने अपने इष्ट को देख करके, कभी शांत मौन गंभीर मुद्रा को प्राप्त हो रहा है, कभी भगवान की कोई लीला स्मरण करके बहुत ठाके मारकर हंस रहा है, उसकी दशा हो जाती प्रेम लक्षण भक्ति में। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद हरि, छिन छिन हार न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न संत भूत प्रेत की न देव जत के डरे, सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना। ऐसी अद्भुत स्थिति, वो वेदातीत स्थिति, ना किसी के सुनना ना किसी से बोलना, ना कहो सो बोली वो ना कोई व्यवहार,
अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ये प्रेम लक्षण भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। अब नवधा पूरी होनी चाहिए। केवल दाल उबाल लेने से स्वाद आएगा क्या? उसमें नमक भी डालना है, उसमें हल्दी भी डालनी है, उसको छौंक लगानी है, तब वो पूरा जाकर के रसोई तैयार होती है ना। ऐसे ही भक्ति की रसोई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। अब रस पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग। अगर सब व्यंजन बने हो और मीठे व्यंजन में चीनी न डाले और नमकीन व्यंजन में नमक न डाले तो क्या स्वाद पाएगा? तो नवधा भक्ति के बिना स्वाद नहीं आएगा। और नवधा भक्ति करने पर जो स्वाद आया उसे प्रेम कहते हैं। वो प्रेम से स्मरण कर रहा है, प्रेम से बंधन कर रहा है, प्रेम से गायन कर रहा है, प्रेम से श्रवण कर रहा है, वही नवधा भक्ति। पर वो प्रेममयी हो गई, अप्रेममयी हो गई, पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक करे तो दूसरी कर ही नहीं सकता, या एक पकड़े तो दूसरे में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। जैसे चद्दर है, एक कोना पकड़ लो खींचो तो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे नवधा